लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साहब का नाश्ता रेडी है? तैयार है साहब। साहब कहाँ है? पूजा कर रहे हैं। क्या बात है, अभी तक पूजा खत्म नहीं हुई? तुम जाकर उन्हें बुलाओ। नहीं साहब, मैं बुलाऊंगा तो वो मुझे मारेंगे। अरे गणेशा जल्दी आओ, वरना तुम्हारे नाश्ते के चक्कर में मेरे डिनर का टाइम हो जाएगा। हुजूर मैं एक छोटा मोटा सा फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है नौकरी करने की। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ड्यूटी पर जाऊं। हाँ तो फिर आइए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। आइए भाई साहब आइए, ये लीजिए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। चलो गणेशा। अरे अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें ये एप्पल नहीं, तुम्हें ये गुड़ चाहिए। ये रहा तुम्हारा फेवरेट फूड। मगर तुम्हें पता है गणेशा, ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है, नहीं पता है? अच्छा चलो भैया ये लो। वेरी गुड, वेरी गुड गणेशा, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय।
वफादार, आप ही मेरा यार, सच्चा इसका प्यार, आप ही मेरा यार, सच्चा इसका प्यार, यार पे ये जान दे दे ऐसा जोड़ीदार, यार पे ये जान दे दे ऐसा जोड़ीदार। मुझे कमी अब क्या है, तेरा साथ मिला है, तू मेरी ताकत तू कमजोरी, तुझसे ही मुझे प्यार, आखी मेरा यार, सच्चा इसका प्यार, आखी मेरा यार, सच्चा इसका प्यार, यार पे ये जान दे दे ऐसा जोड़ीदार, यार पे ये जान दे दे ऐसा जोड़ीदार, आती मेरा यार, सच्चा इसका प्यार। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर बलराम सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बलराम सिंह बोलो। सर हमारे जंगल में लकड़ी की स्मगलिंग हो रही है। व्हाट? अच्छा तुम एक काम करो, तुम वही ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है सर। ओके। चलो जल्दी करो। सब चीजों पर कब्जा कर लो और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस इलाके में कभी भी स्मगलिंग न होने पाए। डबल द सिक्योरिटी। यस सर। नहीं बड़े भाई, ये फॉरेस्ट ऑफिसर सिर्फ ड्रामा कर रहा है। माल खाने वाला जो अफसर होता है ना, वो पहले ईमानदार बनता है, स्ट्रिक्ट होने का पूरा माहौल बनाता है और फिर सूखी लकड़ी के भाव बिक जाता है। नहीं छोटे, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। ये फॉरेस्ट ऑफिसर हिंदुस्तान के उन बेवकूफ अफसरों में से है जो आज के जमाने में भी अपनी ड्यूटी को सबसे बड़ा समझते हैं और पैसों को कुछ नहीं। उसकी लाइफ एकदम बर्बाद है। मगर भैया, उसकी बर्बाद लाइफ हमारे कारोबार को बर्बाद कर रही है। जंगल में रहता है मगर जंगल का कानून नहीं जानता। उसके साथ क्या करना है इसका फैसला कर लो। फैसला कर चुका हूँ छोटे, ये फॉरेस्ट ऑफिसर आज ही मरेगा। तो के बाद क्या आता है ये देखो, ध्यान दो गणेश। जिस रफ्तार से गिनती सीख रहा है, अपनी पूरी जिंदगी में 20 तक नहीं सीख पाएगा। बदमाश, ये क्या किया तूने? इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज पूरा दिन तुझे बांध कर रखूंगा ना, तब जाकर तेरे होश ठिकाने आएंगे। सूंड से मारने लगा आजकल लोगों को। हाँ चलो जल्दी से लिखो, चलो तीन लिखो। पास गणेशा। वेरी गुड गणेशा, ये लो तुम्हारा इनाम। जरा देखो तो सही कौन है। जी सर। गुड बॉय गुड बॉय। आप लोग किससे मिलने आए हैं? अरे रामू, कौन है आप लोग?
यही बताने तो हम आए हैं ऑफिसर कि हम हैं कौन। ये तुम्हारी ड्यूटी थी ऑफिसर, ये पता लगाते कि हम हैं कौन, मगर तुम अपनी ड्यूटी में नाकामयाब रहे हो, इसलिए हमें खुद आना पड़ा। हम इस जंगल के शेर हैं शेर। कल हम जंगल गए थे हमेशा की तरह, हमारी लकड़ियां कट रही थी हमेशा की तरह, हमारे ट्रक्स लोड हो रहे थे हमेशा की तरह, एक फॉरेस्ट ऑफिसर की जीप आके रुकी हमेशा की तरह, मगर एक काम ऐसा हुआ जो आज तक किसी अफसर ने नहीं किया। हमेशा की तरह लकड़ियों से भरे हमारे ट्रक को पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो तुम हो जंगल के मशहूर हत्यारे, तुमने जंगल के हजारों पेड़ों का कत्ल किया है। कल मैं जंगल के उस हिस्से में गया था, पहली बार खुलेआम तुम लोगों का कारोबार देखा, पहली बार। और आज तुम लोग जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार होंगे, पहली बार। Thank you.
ही मेरा यार, सच्चा इसका प्यार, यार पे जान दे दे ऐसा जोड़ीदार, यार पे जान दे दे ऐसा जोड़ीदार, ऐसा जोड़ीदार, ऐसा जोड़ीदार। जानवरों को मारना कोई मर्दानगी नहीं, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। Thank you.
सौ का 700 नहीं। अरे दादा, 100 का 1000 रुपया लगाते हो? यार ले। कितना? 5000। 5000? यार। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आज फिर तुमने फाइट किया? अरे फाइट कहाँ है डॉक्टर साहब, ये तो गेम है। हाँ थोड़ा खतरनाक है, लेकिन पब्लिक को बहुत मजा मिलता है। तुम गलत कर रहे हो, तुम गलियों में फाइट करके अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराओगे? जरूर करा लूंगा साहब, अगर गांधी जी चरखा चलाकर भारत माँ को आजाद करा सकते तो मैं भी अपनी फाइट दिखाकर माँ का ऑपरेशन जरूर करा लूंगा। इसमें 7000 में 23 रुपये कम है, बहुत जल्द आपका 40000 पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ नोट फटे हुए हैं, चला लीजिएगा। जय हिंद। मुन्ना, क्यों मुझे अस्पताल में लाकर बिठा दिया? ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? जब माँ बीमार हो तो ये जानने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा इतना मालूम है। मुन्ना तू बहुत थका हुआ लग रहा है। वो क्या है माँ, तुझे मिलने के लिए दौड़ कर आया ना, इसलिए थक गया। अच्छा मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अच्छा। कितना पैसा बचा है कैप्टन? कुछ भी नहीं, पैदल जाना होगा। तो फिर जाने की जरूरत क्या, यहीं रह जाते हैं? क्यों, अपने घर नहीं जाना है? घर? कैसा घर? अरे उस मकान मालिक ने आज भर का टाइम दिया है, अगर आज उसका भाड़ा नहीं दिया ना तो वो घर में घुसने नहीं देगा। पता नहीं क्यों जब मैं हॉस्पिटल आता हूँ तो कुछ भी याद नहीं रहता। दिल चाहता है अपने आप को बेचकर हॉस्पिटल का पैसा दे दूं और माँ की आंखें ठीक कर लूं। मैं समझता हूँ, लेकिन वो मकान मालिक नहीं समझता, उसे कौन समझाएगा? अरे यार, अगर एक नेता मीठी जबान से लाखों लोगों को बेवकूफ बना सकता है तो क्या साला हम लोग एक सेठ को बेवकूफ नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। चले। ओम श्री नारायण महा, ओम श्री नारायण महा। देखा देखा, कहीं अगर पति सेवा का कोई नेशनल अवार्ड होता तो गवर्नमेंट को मजबूरन मेरी ही धर्म पत्नी को देना पड़ता। ये दिन रात मेरी ही सेवा में लगी रहती है, इसलिए सती अनुसुईया सती सावित्री को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। हाँ। सुनिए जी, जी जरा अपने चरण से चप्पल निकालिए जी। क्यों? आज से मैंने पति सेवा का एक नया व्रत शुरू किया है जी। व्रत? कैसा व्रत? अगर मैं 1600 बार पानी से आपके पैर पत पखेरू तो बड़ा पुण्य होगा जी। अच्छा अच्छा, अरे भाई तुम लोग भी अपनी अपनी पत्नियों को कुछ ऐसा ही व्रत रखने को कहो। चलो शुरू हो जाओ। ओम पति देवाय नमः, ओम स्वामी देवाय नमः। भाभी जी, ये पूजा करके आप कौन सा पुण्य कमाना चाहती हैं? ऐसा करने से अगले जन्म में अच्छा पति प्राप्त होगा। भाभी जी, भाई साहब के पति होने में कुछ कमी रह गई क्या? अरे कैसी बातें करते हो, बीवी का मजाक भी नहीं समझते। अरे बेवकूफो, इसका मतलब ये है
कि ये अगले जन्म में भी मुझे ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। अच्छा अच्छा आप तुम जाओ 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 तुम लोग जाओ चलो चलो चलो। ए, लोगों के सामने तुमने क्या कहा कि मैं अच्छा पति नहीं हूँ? देखिए जी मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं क्या जानती नहीं आप कितने अच्छे हो। ये तो स्वामी जी की कृपा है जो मुझे ऐसा व्रत मिल गया। कम से कम अगले जन्म का मैं अपने पति का रिजर्वेशन तो करा सकती हूँ ना। ए, ए, अरे ये ताले के ऊपर ताला। कैप्टन दाल में जरूर कुछ काला। क्यों बच्चू कितने महीने का भाड़ा बाकी है? हाँ? बाकी है भाड़ा बाकी है। कमाल है। अच्छा अच्छा तुम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि 8 महीने का भाड़ा बाकी है? वो क्या है सर जी छोटी मोटी बातें हम लोग याद ही नहीं रखते। हाँ, अगर आप चाहें तो वहां जाकर पूछ सकते हैं जहां जहां पहले रह चुके हैं। हाँ, हाँ। चलो अपने अपने बूट उतारो। अरे नहीं नहीं सर जी इतनी जल्दी हम लोग किसी पे जूते नहीं उठाते। अरे जूते उतारो। अरे चलो जल्दी से जूते उतारो। उतारो जूते। अब जाओ नंगे पाव जाओ और किराया लेकर आओ 8 महीने का, उसके बाद तुम्हें चाबी मिलेगी। हाँ जा, 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 जा। आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन इतना सोच लीजिए अगर हम चले गए हाँ। तो आपका 8 महीने का भाड़ा डूबने ही जाएगा। हाँ डूब जाएगा। हाँ, डूबेगा कैसे? मैं तुम्हारा अंदर का सामान कबाड़ी के यहाँ बेच कर अपना किराया वसूल कर लूंगा। हाँ सामान। सामान बोलते तो बस ये एक तालाई है जिसकी चाबी तो हमारे पास है। लेकिन एक मिनट के लिए सोच लीजिए अगर हम लोग यहाँ रह गए हाँ। तो आपको 8 महीने का भाड़ा मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी। हाँ और सेठ जी उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, आजकल करोड़ों लोग उम्मीद पर ही तो जीते हैं। हाँ, अरे खोलता हूं, हो सकता है सुबह सुबह लक्ष्मी आई हो। बत्ती बत्ती बत्ती। अरे यार ये लक्ष्मी नहीं कहीं से पनवती आ गई है। पनवती नहीं अगरबत्ती। अरे हंसो मत। अरे हंसो मत। अरे हंसो मत मोहल्ले के बच्चे डर जाएंगे। अगरबत्ती इसको घर में जलाओगे इसकी महक घर में आती है, मच्छर बाहर जाते हैं। इसको जलाओगे तो इंसान सो जाते हैं, देवता है जाग जाते हैं। इसको जलाओगे तो इसकी महक पड़ोस में जाती है। अरे भाई तो पड़ोस में बेचो ना। उसी ने भेजा है तो जाओ जहन्नुम में जाके बेचो। अरे क्या यार दो पैकेट का सवाल है मेरे माँ बाप। मेरी माँ बीमार है, मेरे बाप लंगड़ा है, मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, मेरी बीवी घर में घुसने नहीं देती है, मेरे भाई जेल में है। अरे बाप मुझे तेरे परिवार का इतिहास नहीं सुनना है। चल यहाँ से। माए बाप दो पैकेट के सवाल है मेरे भाई, मेरी स्वागत हो जाएगी, मेरे बच्चे दुआएं देंगे, बुचकी मेरे भाई। भाई मैं तेरे पैर मैं आपके पैर पड़ता हूँ। दो पैकेट के सवाल है मेरे भाई। मिनट, एक बात बता ये 2 पैकेट बेचकर तुझे दौलत कितनी मिलेगी? 1 रुपया। एक हाँ। ये ले 1 2। अब मुझे माफ कर। थैंक यू। मैं भिखारी हूँ हा? क्या समझा आपने मुझे मैं भिखारी हूँ? भाई मैं तुझे भिखारी नहीं बोला, मैंने कहा माफ कर दो। और भीख मांगता हूँ और 2 रुपए लेने आया हूँ, क्या समझते हैं आप मुझे? कौन है आप? ए, क्या रे? तुम क्या समझते हो? हाथ क्या लगा था? बात मत करना। अच्छा? अगर बत्ती बेचता हूँ कोई दिखा बेचता हूँ चले। अरे बुला रहे उसको बुलाना है, दो डट्टा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, बात कर रहा हूँ। अरे बोलते क्यों नहीं? अरे बाप रे कुत्ता।
अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। आजा। माफ करना, माफ करना। ए, क्या कर रहे हो? पहले पानी डाला, अब हाथ लगा रहे हो? नहीं, मैं ये देख रहा था कि साबुन के पानी से तुम्हारी कमर ना गल गई हो, उसी को ढूंढ रहा था। मम्मी, क्या बात है? क्यों बंदर की तरह हरकत कर रहे हो? बुचकी बुचकी, तुम सुबह धंधा करने निकले थे ना? कहाँ है अगरबत्तियाँ? वो तो बिकने से पहले ही बुझ गई। मुझसे अगरबत्ती का धंधा नहीं होता। तो कोई भी धंधा कर लो, पैसा कमाओ, फिर अपनी सुहागरात होगी। फेविकॉल से तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कह रहे हैं कि पेस का टेस्ट बहुत अच्छा है। नहीं, अभी क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि ब्रश को मुंह से निकालने का दिल ही नहीं कर रहा। क्या हुआ, चिपक गया? ओ तो निकालो, पकड़ो पकड़ो, निकालो। ऐ जोर लगा के, जोर लगा के, अबे जोर लगा के। मुझे धक्का मारा, मेरा ड्रेस गंदा किया। मैं पापा को बोलती हूँ। तेरा पापा क्या कर लेगा? चल हट, फुट फुट देख लेना आज मेरे पापा क्या करते हैं। आज का आज मेरा घर खाली करो, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, निकल जाओ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अच्छा हुआ कि आपने ऐसा किया। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। अब तक आपके बस में मैं था, आज से आप मेरी मुट्ठी में होंगे। तुम्हारी मुट्ठी में? जी हाँ सर जी। आपको शायद मालूम नहीं, ताजीरात हिंद दफा 219C के तहत देश में भाड़ेदार को क्या हक दिया गया है। कानून के मुताबिक मकान मालिक से ज्यादा आजकल भाड़ेदार का हक होता है। अरे जा 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 जा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? जब तूने आज तक कभी भाड़ा ही नहीं दिया तो भाड़ेदार कहाँ से हो गया? आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। मेरी गवाही तो ये बर्तन देंगे जिनको पटक पटक कर आपने बदसूरत बना दिया है। मैंने अपनी बेटी के कहने पर ज्यादा ज्यादती तो नहीं कर दी? अरे हुजूर, बात यहीं पे खत्म नहीं होगी। ये बर्तन जो बरसों पहले दुकानदार से उधारी में खरीदे गए थे, वो दुकानदार अपना हरजाना आप पे ठोकेगा, क्योंकि वो हरजाना वसूल करना आपसे उसे आसान होगा। डायरेक्ट सिविल सूट।
अर्जाना का केस मुझ पर होगा। जी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी, ताजीरात हिंद दफा 250/D-G के तहत बहुत सीरियस केस है, जिसमें गैर जमानती वारंट निकलता है। और बात नहीं खत्म नहीं होती, मेरे रहने से आपके घर में चोर नहीं आए, मेरे डर से डकैत नहीं आए, इसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। ये डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। सेठ जी, आपको तो मालूम होगा आजकल देश में कानून का राज चल रहा है, बड़े बड़े जेल के अंदर सड़ रहे हैं, आपका क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। और बात यही खत्म नहीं होती। अरे तुम यहाँ पर बैठे, रुपया तुम्हें वहां पर बुला रहा है। कहाँ पर? अरे फाइट एक छोटे आदमी से और इनाम बहुत बड़ा। कितना इनाम? अरे गिनने से काम नहीं चलेगा, तोलना पड़ेगा। टन टना टन टन टन। अरे जाओ बाबा जाओ, रुपया लेकर आओ, मैं यहाँ तोलने के लिए तराजू तैयार रखूंगा। अरे जाओ ना बाबा, जाओ ना। इसकी फिक्र मत करो, इन्हें मैं रख दूंगा। जहां से उठाया था वही रखना। चलो चलो। इनाम इतना भारी तो होना चाहिए कि जिंदगी का बोझ हल्का हो जाए। अच्छा यार, ये लोग इनाम की रकम चेक से देंगे या कैश? क्या है, चेक से देंगे तो बेहतर, वरना कैश लेने से बाद में नेशनल घोटाला हो सकता है। भाई लोग, ये है इनका जीतने का इनाम। इनाम हाथी के ऊपर रखा है ना।
हाथी ही तो इनाम है। हाथी ये हाथी ये इनाम। देखिए आपसे कोई गलती हो रही है, मैं तो ये इनाम नहीं लूंगा, ये तो मुसीबत है, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या कहते हो, इतना अच्छा इनाम। ये भाई ये हाथी तुम ले लो, एक भैंस की कीमत मुझे दे दो। ये हाथी बिकाऊ नहीं है दोस्त, इसलिए तो इसे लॉटरी में लगाया है। तो मैं जाता हूँ, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए। कैप्टन नहीं, कैप्टन नहीं। अरे ये हाथी लेकर क्या करूंगा यार, कुत्ते बंदर को तो भरपेट खिला नहीं पाता, इसको कहां से खिलाऊंगा। अरे कौन किसे खिलाता है, खिलाने वाला तो ऊपर बैठा है। क्या पता मंगल मूर्ति गणेश जी ने हमारे अच्छे दिनों का ट्रेलर भेजा हो। ये भी तो हो सकता है कि हाथी हमारा कोई काम कर दे, या फिर हाथी का कोई काम हो जो हम लोग कर दे। ठीक है, एक काम कर, ये ले जा और अपने नए दोस्त के लिए कुछ खाना लेकर आ। यस कैप्टन। यजमान, वैसे तो आपका सब कुछ ठीक है। अच्छा, पर एक खतरा है। खतरा? किसी आदमी से? जी नहीं, किसी जानवर से। वो कुत्ता तो नहीं काटेगा? सारे कुत्ते मुझे देखकर भौंकते रहते। कुत्ता नहीं यजमान। तो फिर बात यह है कि पिछले जन्म में आप किसी मंदिर के पुजारी थे। अच्छा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और उस मंदिर से आपने गणेश की एक सोने की मूर्ति चुराई थी। लेकिन अब वो सोने की मूर्ति कहाँ होगी महाराज? वो मूर्ति इस वक्त एक खूंखार हाथी बनकर आपको ढूंढ रहा है। ए, मुझे इस विद्या में कोई विश्वास नहीं। चल चल फुट यहाँ से, चल दबा जाए। ये जमान, खूंखार हाथी, खूंखार हाथी बनकर मुझे ढूंढ रहा है। मिल गया, अरे मिल गया, बहुत बड़ा इनाम मिल गया सेठ जी, देखिए इनाम मिल गया। शाबाश शाबाश शाबाश, अरे लारी भर कर पहले कर आए हो, जाकर देखिए तो सही। ये देखिए, वो मूर्ति इस वक्त एक खूंखार हाथी बनकर आपको ढूंढ रहा है। ले जाओ मेरे जान के दुश्मन को यहाँ से, ले जाओ ले जाओ। अरे सेठ जी आइए, अरे सेठ जी नादान मत बनिए, आपकी तकदीर खुल गई। अरे ये हाथी, ये लक्ष्मी का दूत, गणपति की प्रतिमा, अरे आपके घर आए हैं, आप धनी हो जाएंगे। कैसे? अरे एक सुनार ने इनकम टैक्स के रेड के डर की वजह से 25 किलो सोने के बिस्कुट इस हाथी को खिला दिए हैं। हाँ, और सेठ जी जो पेट में गया वो बाहर तो निकलेगा ना, अब उसके हर लीद में एक एक गोल्ड बिस्कुट बाहर निकलेगा। हाँ ठीक है, इस हाथी को संजीरों से भाग दो। जी लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, इस हाथी की लीद को मेरे सिवा और कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे बिल्कुल नहीं लगाएगा सेठ जी, अब जो निकलेगा सब आपका। अरे कैप्टन, ओ कैप्टन, ये हाथी क्यों चिल्ला रहा है? भूख की आवाज है, मैं इसे जानता हूं। आजा देखते हैं। अरे रे, माफ करना दोस्त, तुम्हें जीतने के लिए बहुत मार खाया, बहुत पिटाई हुई, इसलिए तुमको गुड नाइट कहा भी नहीं और नींद आ गई। भूखे हो ना?
इस घर में अक्सर ही भूखा रहना पड़ेगा। देखो दोस्त, मैं गरीब आदमी हूं, जो रोटी कमाता हूं उसकी साइज मेरे भूखे पेट की साइज से हमेशा कम होती है। लेकिन वादा करता हूं, जब मां का ऑपरेशन हो जाए, मां घर पे आ जाए, चार टाइम खाना खिलाऊंगा पेट भर के। तब तक के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके? थैंक यू। आज की रात लाखों हिंदुस्तानियों की तरह पानी का डिनर कर लो, कल की सुबह तो जिंदगी का दूसरा दिन होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो हेलो ए हेलो, कहिए मेरे आदमी का काम हो गया ना? आपका आदमी तो इंटरव्यू के लिए आया ही नहीं। ओम श्री नारायण नमः। ना समझ नालायक औरत, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कब कौन सा काम करना चाहिए? गेट आउट। क्या आप मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं? सॉरी सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा था। देखिए मेरा आदमी किसी से वहां जरूर पहुंच जाएगा, उसका काम हो जाना चाहिए प्लीज। तू समझती क्यों नहीं? शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब तो तुम्हारे आदमी को नौकरी मिलेगी ही नहीं। हेलो हेलो हेलो, तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, जानती हो? एक आदमी की नौकरी चली गई है। मेरी पूजा और पुण्य के सामने नौकरी क्या चीज है जी? मेरे कपड़े तुमने लिए? कपड़े? तुम कपड़े भी पहनती हो? सीधे से मेरे कपड़े दे दो। ये देखो, ना मैं किशन कन्हैया हूँ और ना तुम गोपी हो जो तुम्हारा वस्त्र हरण करूंगा। वो क्या है? ये क्या है? लगता तो कपड़े जैसा, लेकिन यहाँ आया कैसे? कैसे आया? ये सवाल तुम्हारा नहीं, मेरा है कि मेरे कपड़े यहाँ कैसे आए। अरे ऐसे कह रही हो जैसे ये कपड़ा मैंने चुराया है। और नहीं तो क्या, और कोई यहाँ आया ही नहीं। ठीक है, मैंने चुराया है, ये कपड़े भी मैंने तुम्हारे बदन से उतारा है, जो करना है कर लो, जाओ। मम्मी, ना खाया ना पिया, ग्लास थोड़ा चारा ना यार। लेकिन ये कपड़ा यहाँ आया कैसे? मेरे कम सिन बदन में
तेरा देखा तो दिल में तूफान जगा, बार बार देखूं तुझे दिल में अरमान जगा, तेरे पीछे पीछे दिल मेरा दौड़ा चला जाए, तेरे पीछे पीछे दिल मेरा दौड़ा चला जाए। लाओ पैसे। अरे भाई एक लीटर दूध देना, ये लो आपका दूध। अरे अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आओ आओ, ऐ शाबाश बेटा शाबाश। Wow!
अच्छा तो ये तुम्हारा काम आया। क्यों कैसी है रोटी? बहुत मीठी है। मीठी तो लगेगी, चोरी की रोटी हमेशा मीठी ही लगती है। चोरी की रोटी क्या बकते हो? अरे इतनी भूख लगी थी तो मांग लिया होता, चुराई क्यों? मैंने तुम्हारी रोटी चुराई? तो और किसने चुराई? चोरी ऊपर से सीना चोरी। चलो मेरी रोटी दो। अरे मेरी रोटी छीन ली। मेरी रोटी। अरे ये मेरी रोटी है। हिंदुस्तान में रोटी वो खाएगा जो कमाएगा, वरना कोई किसी की रोटी ना छीन सकता है ना चुरा सकता है। रोटी चुराएगी है? तुमने मुझे धक्का दिया। मामी। जी, आप अपने सोने के लिए देंगे। नारायण नमः। ओम स्वामी नारायण नमः। ओम सूर्य नारायण नमः। ओम पतिदेवाय नमः। ओम स्वामी नारायण नमः। ये क्या? अरे अच्छा होता तो बांध लेकर आती और मेरे घाव पर लगाती। चली आई पानी लेकर पूजा करने के लिए। कल से मैं पूजा शुरू करूंगा। अगले 7 जन्मों तक मैं ही तेरा पति बना रहूंगा। जी ऐसी अशुभ बात मत बोलिए जी। अरे तुझे पूजा की पड़ी है और मैं यहाँ हाथी की लातों से मर रहा हूँ। गणेशा अब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। कैसे हो तुम? तो मेरे दोस्त हो। देखो तुम बिरजू के दोस्त हो और बिरजू मेरा दोस्त है। दोस्त का दोस्त तो दोस्ती हुआ ना। आओ हमसे दोस्ती करो। अभी ठीक हो जाएगा, दवा लेकर आता हूं। यही जिंदगी है दोस्त, इंसानों के साथ अगर रहना है तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, यहां बड़े से बड़े को एक छोटी सी चीज रुला देती है। और तुम लोग रास्ते में खिला पड़ा है और तुम लोगों को नजर नहीं आया? जानवर होकर अगर इंसानों की तरह लापरवाही करोगे तो ठीक नहीं होगा। तुमने हाथी से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। हाथी ने मुझे धक्का दिया और मैंने उसे कीला चुभा दिया। बात खत्म। बात यही खत्म नहीं हुई।
हाथी अपनी दुश्मनी कभी नहीं भूलता। वो देखो उधर। कौन हो तुम लोग? क्यों मेरा रास्ता रोका? अभी पता चल जाएगा। मुझे जाने दीजिए। अच्छा, जाने दीजिए। बोलती है जाने दीजिए। बचाओ, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। माफ करना दोस्त, मैं तो तुम्हें दुश्मन समझ रही थी, लेकिन तुमने मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे माफ कर दो दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त बन गए। ले लो जी चूड़िया, ले चूड़िया चूड़िया चूड़िया, तरह तरह की चूड़िया, हरी पीली चूड़िया, सफेद काली चूड़िया, मेरे तन पे तरह तरह की चूड़िया है, जरा पहनो बलम मजबूतियाँ है मेरे तन पे वो तन पे। चूड़ी वाले इधर आओ। आया जी आया जी आया आया जी आया जी। हाँ जी बोलिए, कौन सी चूड़ी लेंगे? जूही चावला चूड़ी लेंगे, या माधुरी चूड़ी लेंगे, या श्रीदेवी चूड़ी लेंगे, या रेखा चूड़ी लेंगे? ये तमाम हीरो ने मेरे पास की चूड़िया पहनती है, बोलिए कौन सी चूड़ी? अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास पतिव्रता की चूड़ियां है? हाँ, पतिव्रता? ये किस ब्रांड का नाम है? पतिव्रता यानी ये चूड़ियां उन औरतों के लिए है जो अपने पति को परमेश्वर समझती है। वो तो फेल हो गए ना, वो तो कंपनी बंद पड़ गई है। हाय राम। हाँ। फेल हो गई? हाँ, कोई खरीदने वाली ही नहीं है तो। अच्छा अच्छा, तो जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ।
पतिव्रता हो, मेरे पास पड़ा हुआ ओल्ड स्टॉक। अच्छा ये वाला, ये वाला, ये पहनने वाली को दुनिया में दूसरा मर्द नजर ही नहीं आता सिवा अपने पति के। अच्छा तो ये वाली मुझे दे दो। ये दे दो मैं। आइए। तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक पतिव्रता का हाथ पकड़ लिया। सती सावित्री, अगर मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा तो पहनाऊंगा कैसे? हे भगवान, ये पापी को कभी क्षमा मत करना। तूने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। हे माँ, ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। निकल निकल जाए यहाँ से, इसको कभी क्षमा मत करना, इसने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। सत्यानाश। क्या हुआ? आज तो तुम चूड़ियों के व्यापारी बनकर घर से निकले थे। आज मैं पिट कर आ रहा हूँ। इसमें नई बात क्या है? नई बात है, आज मैं किसी औरत के हाथ से पिट कर आ रहा हूँ। औरत के हाथ से? क्यों? मैंने उस औरत का हाथ पकड़ लिया था। हाथ पकड़ लिया था? कहाँ? उसके घर में। उसके घर में? घर से निकले थे चूड़ियाँ बेचने और बाहर जाकर औरतों का हाथ पकड़ते हो? अरे औरतों के हाथ नहीं पकड़ूंगा तो चूड़ियाँ कैसे पहनाऊंगा? अब मैं कोई ऐसा धंधा नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो निकल जाओ घर से। बुचकी बुचकी, जब धंधा नहीं करता तो तू बुचकी बुचकी करती है, जब धंधा करने निकलता हूँ तो वो लोग बुचकी बुचकी करते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, पहले पैसा कमाओ उसके बाद अपनी सुहागरात होगी। सुहागरात? सुहागरात को हर लड़की इंतजार करती है सुहाग का। ये अमावस की रात की पैदाइश है। ये भगवान, तूने क्यों पैदा किया मुझे? काल कोठरी में डाल दिया मुझे, कैसा फंसा दिया तूने, लटका दिया है क्यों तूने? अरे अरे वो टेढ़ा। माँ, अगले 7 तारीख को तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर तुम देखने लगोगी, फिर खुशी खुशी हम तुम्हें घर ले जाएंगे। क्या करूंगी आंखें लेकर, दुनिया को जितना कम देखूंगी उतना ही कम दुखी रहूंगी। मुन्ना, मुझे तो बस तेरे साथ रहना है, तेरे पास रहना है। मुझे इस अस्पताल से मुक्ति दिला दे। मालूम है, आज मैंने एक सपना देखा। सपने में तू गणेश जी की मूर्ति घर ले आया। तेरा सपना सच है माँ, लेकिन मूर्ति नहीं, मूर्ति होती ना तो थोड़ा सा खर्चा होता। मैं तो जीता जगता एक गणेश लाया हूँ जो हमेशा भूखा रहता है। हाथी लाया है? बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ। कहाँ रखा है उनको? माँ, हॉस्पिटल के दरवाजे अगर छोटे ना होते तो अभी तक यहाँ होता, गेट पे खड़ा है। जा तू डॉक्टर से बात कर ले। छोटे, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि तुम शराब ना पिया करो। मुझे तुम्हारे सारे ऐब मंजूर हैं, मगर शराब पीने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। देखा, काश अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम इस हालत में इस अस्पताल में पड़े ना होते। आप ठीक कहते भैया, ना पंगा लेता ना मेरी हालत होती,
आज के बाद मैं कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस भैया। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुमसे फिर भी ले आऊंगा। ठीक है। सिस्टर, वो जो औरत वहां बैठी है वो कौन है? वो जो खड़े हैं उनकी मां है। हेलो कैप्टन। नमस्ते। सुना है तुम अपनी मां के ऑपरेशन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। भाई हमें गैर मत समझना, जो भी मदद मांगोगे हम इनकार नहीं करेंगे। शुक्रिया जनाब, लेकिन मैं अपनी मां की पूजा को किसी के साथ बांटता नहीं। थैंक यू। मां तुम यहीं बैठी रहो, मैं खाना लाता हूं। भाग रहा है, चल। सविता, ओ तो तुम यहां बैठी हो। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं ये सोच रहा था सविता कि क्या इस दुनिया में एक ही चेहरे के दो इंसान हो सकते हैं? मैं नहीं जानती। ये क्या बेहूदगी है? तुम जानती हो मैं कॉफी नहीं पीता, तो फिर मुझे चाय क्यों नहीं दी? हमेशा गलती करती रहती हो। परसों पहले मैंने एक गलती की थी जो अपने परिवार के खिलाफ तुम्हें पसंद किया और तुमसे शादी कर ली। उस गलती के बाद जो भी करूंगी सब गलत ही होगा। आप अपने बेड पर जाइए। सिस्टर मैं जरा टहल कर आता हूँ। बाहर की हवा आपके लिए खतरनाक साबित होगी। सिस्टर खतरा हमसे डरता है, हमसे पंगा लेने से डरता है।
इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ पता चला? मर्डर किसी तेज हथियार से किया गया है, मगर एक बात क्लियर है कि मर्डर प्लान बनाकर नहीं हुआ। डेड बॉडी के आसपास हाथी के पांव के निशान हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं। यानी उस जगह पर हाथी बहुत देर तक रुका होगा। हाथी के पांव के ऊपर किसी दूसरे के पांव के निशान नहीं है, यानी हाथी ही आखिरी था जो उस जगह से गुजरा। तुम्हारा मतलब इंस्पेक्टर, इस खून में किसी हाथी का हाथ है? अगर ऐसा हुआ तो पुलिस की फाइल ही बंद हो जाएगी, क्योंकि इंडियन पिनल कोड हाथी के ऊपर लागू नहीं होता। अगर इंडियन पिनल कोड हाथी पर लागू नहीं होता तो क्या पुलिस खामोश बैठकर हाथी के दूसरे खून का इंतजार करेगी? आपको यकीन है कि हाथी दूसरा खून करेगा? दूसरा खून करने के लिए वो जिंदा नहीं रहेगा। अरे भाई, मुझे एक बात पर शक हो रहा है। किस बात पर? जिस हाथी की आप बात कर रहे हैं, कहीं ये वो हाथी तो नहीं जो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास था? क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो जंगल तो यहां से तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर दूर है। हमारे इलाके में हमारे छोटे भाई को सामने से मारने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। मैं उस हाथी को करीब से पहचानना चाहता हूं। ठीक है छोटे, मगर तुम भी एक बात का ख्याल रखना, उस पर दूर से ही नजर रखना, उसके करीब मत जाना। चलो। सेठ जी, ओ सेठ जी। क्या बात है, पांव में प्लास्टिक कवर? अरे भाई, किसी पतिव्रता स्त्री का पति होना कोई मामूली बात नहीं है। अब तुम लोग बताओ यहाँ किस लिए आए हो? अपने गांव के साधु जो काशी गए थे वहीं स्वर्गवासी हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन मनाना है। ठीक है, तो यही मना लेते, मैं मंदिर तक नहीं जा सकता। ओम पतिदेवाय नमः, ओम स्वामी नारायण महा, ओम पतिदेवाय नमः।
देखो जी, आज आपका सिर्फ 2 मिनट मौन रहा तो मेरी 5 बार पूजा हो गई। अगर आपका इसी तरह मौन रहा तो मेरी पूजा का व्रत जल्दी खत्म होगा जी। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि इस गांव का कोई ना कोई आदमी हर रोज मरना चाहिए? हाँ, अरे भाई पंडित, कौन सा व्रत बता दिया तूने इसे? अगर शास्त्र विधि से व्रत करना मुश्किल है तो उसमें कुछ कंसेशन भी है, बोलो तो सुनाऊं। हाँ तो जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ठंडे पानी के बदले अगर गर्म पानी हो तो 1600 बार नहीं, सिर्फ 160 बार करने से काम चल जाएगा। सुना भगवान, अब जाओ ठंडा पानी ले जाओ और गर्म पानी ले आओ। जा, जा, जा। अच्छा भाई, अब तुम लोग भी जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। आगे चलो, रखो रखो। ओम पतिदेवाय नमः। ए क्या है? ए क्या है? मेरी बेटी को कहीं देखा है? बेटी? हाँ। कौन सी बेटी? हाँ। ओ, आपकी बेटी? हाँ। नहीं। हाँ। तुम्हारा कैप्टन कहाँ है? वो भी बाहर गया है। वो भी बाहर गया है? अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि दोनों एक साथ बाहर गए हैं। आज मैं उस हरामखोर को नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा उसे, मैं देख लूंगा। हाँ कैप्टन, मुझे पता है इस समय तुम कहाँ और क्या कर रहे हो। मेरी महबूब तो बहुत ही खूब, तो खुदा की तरह है जहां में
जापानी साड़ियाँ, चीनी साड़ियाँ, इंटरनेशनल चोली की साड़ियाँ, धोने से रंग नहीं जाएगा, पहनने से फोल नहीं आएगा। सर जी साड़ियाँ दिखाओ। मैं चोली साड़ी पहनने वाले लगता हूँ क्या? जा जा अंदर जा, अंदर जा। You got it. Yeah. अबे क्या बात है, रो क्यों रहा है? उसकी मुझकी, उसकी मुझकी? क्या हुआ सर जी? आपने मुझे साड़ियां दिखाने के लिए अंदर भेजा, मैं साड़ियां दिखाने के लिए अंदर चला गया, जैसे दरवाजा खोला मुझकी मुझकी हो गया। मुझकी मुझकी हो गया? अबे जल्दी से बोल वरना गोली मार दूंगा। मुझसे घोर पाप हो गया सेठ जी, मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं? इसका प्रायश्चित हो सकता है तू अपनी जबान को हमेशा के लिए बंद रखना। तुमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा और अगर कुछ देख भी लिया है तो किसी को इसकी खबर कानों कान नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो शेरों रुपए और हमेशा के लिए यहाँ से दफा हो जाओ और फिर दोबारा कभी यहाँ मत आना। जाओ ए इधर, अच्छा उठाओ उसे, उठाओ। अच्छा धन्यवाद। You got it. Yeah, baby. किधर जा रहे हो? सर जी मेरी बात सुनिए, मैं अंदर जाके बोलूंगा सरानी को, आप घबराइए मत। मैंने जानबूझकर नहीं देखा, मैंने जो कुछ देखा है मैं किसी को बताऊंगा नहीं। सर जी ने इसके लिए मुझे पैसे भी दिए हैं, जरा उनको अच्छा लगेगा ना। वकील साहब पेपर्स तैयार कर लो, मैं गोदावरी एस्टेट बेच रहा हूँ। आप वो एस्टेट नहीं बेच सकते। बेच नहीं सकते, क्या मतलब है तुम्हारा? इस स्टेट की मालकिन सविता देवी हैं। सविता मेरी बीवी है वकील साहब, उसमें और मुझमें क्या फर्क हो सकता है? कानून की नजर में बहुत फर्क है। तो ठीक है, आप उसे टेलीफोन पर बात कर लीजिए। टेलीफोन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ठीक है, मैं उसे यहां बुला लेता हूं। उसकी जरूरत नहीं है, मैं सविता देवी का वकील हूं, जब भी उनको जरूरत पड़ती है हम हाजिर हो जाते हैं। तो ठीक है वकील साहब, कल सुबह 10 बजे वहां हाजिर होने के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं वो जंगल बेचने नहीं दूंगी। तुमने मेरे गहने बेचे, मेरे बैंक अकाउंट साफ किए, फिर भी मैं खामोश रही। तुमने मुझ पर तरह तरह के अत्याचार किए, क्योंकि मैंने अपने पिता के मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की, वापस लौटकर जा नहीं सकती थी। लेकिन अब मैं मजबूर नहीं, लाचार नहीं, मैं वो जंगल बेचने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। सविता, मैं वो जंगल बेच कर रहूंगा। कल तुमसे मिलने तुम्हारा वकील आ रहा है और तुम उससे वही कहोगी जो मैं कह रहा हूं, वरना तुम इनकार कर नतीजा जानती हो।
जंगल मेरे पिता की निशानी है। वहां पर उनकी समाधि है। भैया भाभी कहीं भागते हुए जा रही है। अरे छोटे, ये हमसे छुटकारा पाकर भागना चाहती है। जाओ पकड़ लाओ उसे। ठीक है। भाभी रुक जाओ। ड्राइवर, क्या है? मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। जल्दी चलो, मुझे बचाओ। आओ बैठो। जल्दी चलो, जल्दी चलो ड्राइवर। फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बड़े भाई ऐश करो ऐश। क्या हुआ छोटे, पकड़ लाया उसे? पकड़ लाया? अरे मर गई वो। क्या मर गई? अगर वो मर गई तो हम सब भिखारी हो जाएंगे छोटे। क्यों? उसके मरते ही ये सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। ये तो गजब हो गया। अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं उसे मरने नहीं देता। भैया, हम जो काम करते हैं उसके लिए हमें पैसा चाहिए, फिर उस काम को दबाने के लिए पैसा चाहिए। हम तो फुटपाथ पर आ जाएंगे। नहीं छोटे, मैं सब दुख सह सकता हूं, मगर गरीबी का दुख हरगिज नहीं सह सकता। तुम फिक्र मत करो, मेरी बीवी आएगी। बड़े भाई, वो तो मर चुकी है, अब कहां से आएगी वो? अस्पताल से। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब हुआ। मैं मां से मिल सकता हूं? अभी नहीं, आइए। ये दवाई लेकर आओ। जी, तू माँ के पास रहना, मां भी आया। कौन है आप? मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। चलो। सुनो। जी डॉक्टर साहब। यहां से कुत्ता बंदर हटा दो। लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो मां से मिलने आए हैं। उनको ही जानो, से इंफेक्शन का खतरा है। उसको उधर अंदर लेकर जाओ, रूम में। इसमें? हाँ, उस रूम में। जी अच्छा, चल चल बेटा अंदर, चल तू भी चल। अरे चल ना, माँ से बाद में मिल लेंगे। हम्म,
अरे डॉक्टर, दरवाजा बंद। क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ? अरे दरवाजा खोलो जल्दी, मुझे किसने बंद किया था? मुझे नहीं मालूम। मैं दवाई देकर आता हूं। मिल गई डॉक्टर साहब, ये लीजिए। क्या हुआ कैप्टन? मां को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? धंधा करने निकलता हूं तो पब्लिक मारती है, धंधा नहीं करो तो बीवी मारती। इस मारा मारी के चक्कर में मेरी स्वागरात मार खा गई। हे भगवान, न जाने मेरी स्वागरात कब होगी, कब। आई सौदागर आया है, साइटम लाया है, अरे जो भी है हाजिर है, अब की खातिर है मीम साहब। यारो सारा ज़माना मेरा बैड। सोने का लॉकेट है, चांदी का पॉकेट है, चोली है, ये जंपर है, झुमके है, झूमर है, पैंटी है, पैंट है, पेरिस का सेंट है, ले लो ये लिपस्टिक, ये भी है डोमेस्टिक, बूंदे है, बाली है, होठों की लाली है, आगे क्या दिखलाऊं, कैसे मैं समझाऊं। I am mad, 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 I am mad, 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 I am mad, mad, mad self man, yaro sara zamana mera fan. देखो स्विमिंग ड्रेस, पब्लिक हो इम्प्रेस, रेशम का कमाल है, ए बोलो क्या ख्याल है, ये काला चश्मा लो, चश्मा क्या करिश्मा लो, कॉर्डलेस सेल्यूलर फोन, मोबाइल पेजर फोन, कैमरा है कलरफुल, जवानी है बिल्कुल, ऊंची हील का सैंडल, नीची हील का सैंडल,
आइटम तो दो चार लो, कैश ना हो उधार लो, जल्दी है जाने की, बीवी को मनाने की थी। I am mad, 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 mad. I am mad, 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 mad. I am mad, 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 self mad. Yar sara zamana mera fan. अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लगता है मेरी तरह ये भी तकलीफ में बेचारी। अस्पताल कहाँ है बाबा? मेरी माँ। आइए वकील साहब, आइए। आपके घर में आपकी बीवी नहीं है। तो फिर? मैंने फोन किया था। मेरी बीवी घर पर है वकील साहब, आइए आप सविता जी से मिल लीजिए। आइए वकील साहब। सविता देवी को क्या हुआ? कुछ नहीं वकील साहब, आज सुबह सुबह इनकी आंखों में कुछ पड़ गया था तो डॉक्टर ने दवाई देकर चश्मा पहना दिया है। कौन सा डॉक्टर, कौन सी आंख? हमारा फैमिली डॉक्टर है वो। वकील साहब आइए। एक मिनट, सविता देवी के हाथों की चूड़ियां डॉक्टर ने निकाली थी? उनके मांग का सिंदूर डॉक्टर ने मिटाया था? मैं फिर आऊंगा, चलता हूं। बड़े भाई, इस वकील को कहीं शक तो नहीं हो गया? इसे शक होने दो छोटे, ये वकील हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक ये ट्रम्प कार्ड हमारे हाथ में है, बस एक बार इसे होश में आने दो। आपकी बेटी की शादी कब होगी ये तो मैं बता ही देता हूं, लेकिन पहले आप ये बताइए, आपकी बीवी के पेट पर कोई काला तिल है? तिल है, पक्का है, बाकायदा है, 101% है। कमाल है, आपकी बीवी के पेट पर तिल है या नहीं है ये आप नहीं बता रहे हैं, और ये बता रहा है कि तिल है। अरे भाई, ये तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। अरे नहीं भाई, तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। अरे मैं भी तो कह रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। ये तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। 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 तुम्हें सच सच बता दो कि किसकी बीवी के बारे में बोल रहे हो। मैं बताऊंगा, आज से कुछ दिनों पहले की बात है, मैं साड़ियाँ बेचता था। साड़ियां बेचने के लिए मैं किसी के घर पर चला गया। ऐसा ही एक आदमी था, मैंने उससे कहा साड़ियां खरीद ले। उसने कहा मेरी बीवी के पास जाइए। मैं उनकी बीवी के पास चला गया। जैसे दरवाजा खोला, उनकी बीवी साड़ी पहन रही थी। मैंने सब कुछ देख लिया। हरामजादे, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को बताना मत। क्या मैंने बता दिया? अब तक तुम जान चुकी होगी कि हम लोग बहुत बुरे हैं, शरीफ बदमाश हैं। हमने तुम्हें हॉस्पिटल से किडनैप किया और कोई कुछ नहीं कर सका। वैसे भी शहर में हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जो कुछ हम तुमसे कहते जाएं वो चुपचाप करती रहो, और हम क्या कह रहे हैं वो गौर से सुनो।
किसी भी दिन तुमसे मिलने एक वकील आएगा, यह समझकर कि तुम मेरी बीवी हो, वो तुमसे तरह तरह के सवालात करेगा और तुम्हारा सिर्फ एक ही जवाब होगा कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है, वो जैसे कहता है वैसे ही करो, समझे? मैं जानता हूं कि कुछ औरतें बहुत जिद्दी होती हैं और समझदारी की बातें उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पहले तुम मरोगी और बाद में तुम्हारे बेटे को मारना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मौत की खबर सुनकर वो खुद ब खुद मर जाएगा। इसलिए अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी की खातिर कुछ दिनों के लिए मेरी पति व्रता अर्धांगिनी बनकर रहो। एक ज्योतिषी ने मेरे बेटे की जन्म कुंडली देखकर कहा था कि उसके भाग्य में किसी पापी के वध का योग है। कहीं वो पापी तुम ही तो नहीं? मुख्तार, इस बुढ़िया को ले जाकर बंद कर दो, देखते हैं हमारी बात मानने में ये कितने दिन लगाती है। ये ठीक रहेगा, पति की जान की दुश्मन मेरी बीवी को मेरे पाँव ही नहीं मिलेंगे, अब मैं आराम से सो सकूंगा। ओम स्वामी नारायण, ओम पति देवाय नमः। तू यहाँ भी पहुँच गई? अरे मैंने अपने पाँव डाल के साथ इसलिए बातें थे कि तू यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन इस औरत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा हुआ आपने खुद ही पैर बांध लिए, नहीं तो मैं ही आपके पैर बांधने वाली थी, ताकि मैं आराम से पूजा का व्रत कर सकती हूँ। अभी आप आराम से सो जाइए जी। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि पिछले 3 दिनों से इस घर में न खाना पका है न किसी ने खाया है। तुम्हारे उपवास करने से यह साबित नहीं होगा कि तुम्हारे दिल में मां के लिए हमसे ज्यादा दुख है। ये गम की घड़ी तो 2 दिनों की है, फिर मां को हम अपने पास ही रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलो खाना खा लो। कभी खुशी जिंदगी का रूप यही, कभी गम कभी खुशी जिंदगी तो है यही। समय आएगा सब जाएगा, किसी के रोके ना रुक पाएगा।
कभी खुशी जिंदगी का रूप यही, कभी गम कभी खुशी जिंदगी तो है यही। समय आएगा सब जाएगा, किसी के रोते ना रुक पाएगा। समय आएगा सब जाएगा, किसी के रोते ना रुक पाएगा। कभी खुशी जिंदगी का रूप यही, कभी गम कभी खुशी जिंदगी तो है यही। समय आएगा समय जाएगा, किसी के रोके ना रुक पाएगा। समय आएगा समय जाएगा, किसी के रोके ना रुक पाएगा। कभी हम कभी खुशी जिंदगी का रूप यही, कभी हम कभी खुशी जिंदगी तो है यही। हमने किडनैपिंग केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, तुम उन्हें पहचान सकते हो? इंस्पेक्टर साहब, अगर उस वक्त मैं हॉस्पिटल में होता तो मेरी मां क्यों किसी की मां किडनैप नहीं होने देता। हां, मेरा गणेश उनकी पहचान करा सकता है। वो हाथी? जी। हाथी की गवाही को कानून नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कुत्तों की गवाही को कानून मानेगा और हाथी की गवाही को क्यों नहीं मानेगा? चलो देखते हैं। दोस्त, इनको देखो, इनके चेहरों पर इनका पेशा लिखा हुआ है। अगर इनमें से किसी ने भी मेरी मां को किडनैप किया है तो इनकी सजा के लिए मैं अदालत का इंतजार नहीं करूंगा। जाओ। सर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलाएंगे।
क्या हुआ दोस्त? क्या ये वही गाड़ी है जिसमें मेरी माँ किडनैप हुई थी? हाँ? ये गाड़ी किसकी है? साहब इस गाड़ी का मालिक यहाँ नहीं है, चाहे तो मैं उनका एड्रेस दे सकता हूँ। मेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ इसमें नहीं है। मेरी माँ कहाँ है? बोल। तुम्हारी माँ। बड़े भाई क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है छोटे? कोई हमारे घर में आए, हमारे आदमी को मारकर वापस चला जाए। जिंदा तो वापस नहीं लौट सकता छोटे। मगर कैप्टन हमारे घर में आया, हमारे आदमी को मारा और आराम से चला गया। यह नामुमकिन है छोटे। लोग हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं। जाओ जाकर सर्कस वाले को पकड़ कर यहां ले आओ। हम अपने घर के सामने उसकी कब्र बनाएंगे। Thank you.
क्या किया? मंदिर में खून, यह तनासली रूप। हम लोग भूखे रहकर एक कातिल की परवरिश की है, एक हत्यारा दोस्त बनकर हमारे साथ रहा। आज के बाद तू हमारे सामने मत आना, तू इंसानों के साथ रहने के लायक नहीं है। बस सब क्या है? मैं बताता हूँ, ये समाधि इसके मालिक की है, किसी ने इनकी हत्या कर दी थी। ये हाथी अक्सर यहाँ आता है और रोता है। समझ गया, सब समझ गया। ये समाधि है इसके मालिक की, और समाधि के सीने पर नाम है कातिलों के। एक, दो, तीन। एक पहले मरा था और एक कल मरा है, तीसरा जिंदा है ना? मुझे माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें कातिल समझा था, लेकिन तुम तो वफादारी के देवता हो। मैंने समझा था तुमने मंदिर को अपवित्र किया है, लेकिन यहां आकर देखता हूं तुमने तो दोस्ती का तीर्थ बनाकर रखा है। अब तुम्हें कुछ नहीं कहना है दोस्त, ये नंबर तीन अपने गुनाहों की सजा अब मेरे हाथों पाएगा। मेरा भाई नहीं मर सकता, वो मेरा दाहिना हाथ था। किसने मारा मेरे भाई को? एक हाथी ने। एक हाथी ने मेरे भाई को मारा। जाओ, उस हाथी को पकड़कर लेकर आओ। आज इनका कुत्ता बंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक पेन लो, देखो ज्योतिष बोलते हैं कि आप अपने हाथों से मुहूर्त नहीं करेंगे, मेरी बोली नहीं करेंगे, मेरे बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे भाई एक पेन ले लो, मुझे मालूम है मेरे पीछे आप बंदर दौड़ोगे, कुत्ता दौड़ोगे, हाथी दौड़ोगे। हाथी नहीं, तुम खुद मेरी धुलाई करोगे, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। एक पेन ले ले बाबा, मेरा पाँव पड़ता हूँ मेरे भाई, एक पेन लेके मेरा बोली कर दे, मेरी जिंदगी अटकी हुई है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, आप महान। क्या हुआ? जरा बांधने में मिस्टेक हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये पैसे पहले मैं भगवान को चढ़ाऊंगा। ये प्रभु भगवान 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 की माया, भगवान की माया।
इनकी तस्वीर यहाँ कैसे? तुम इनको जानते हो? जानता हूँ, अरे मैं खुद इनको अस्पताल में भर्ती करा गया। कौन सा हॉस्पिटल? अभी दो मिनट में दवा का असर हो जाएगा, फिर ये हाथी पूरी तरह हमारे वश में हो जाएगा, जहां चाहेंगे ले जा सकते हैं। आइए आइए, ये ये तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई थी? मैं तो तुम्हारे हुक्म के बिना मर भी नहीं सकता था, इसलिए जिंदा हूं। मां, तुम दिखने लगी हो ना। बेटी, तू अपने इन आंसुओं को अपनी मां के लिए बचा कर रख। मैं तेरी मां नहीं हूं। तू मुझसे नाराज है मां? बेटी, मेरे जन्म जन्म की पांच ममता ने आज पहली बार जाना है कि जवान बेटी का आलिंगन क्या होता है। मगर बेटी, ठीक से देख, मैं तेरी मां नहीं हूं। अगर तू और हॉस्पिटल वाले ये समझ रहे हैं कि मैं तेरी मां हूं, तो मैं जानती हूं तेरी मां कहां है। वहां अकेले मत जाना बेटे, अकेले मत जाना। पता बताओ माँ, अगर वहां मौत का भी पहरा होगा तो मैं मौत को भी मारकर अपनी माँ को लेकर आऊंगा। सिर्फ पता बता दो। Thank you.
जगाओ इसे। अभी नहीं जाग सकता, हैवी डोज दिया गया है। इलेक्ट्रिक शॉक दो इसे, मौत की नींद सुलाने से पहले इसे होश में लाओ, ताकि ये जान सके कि इसे किस गुनाह की सजा दी जा रही है। जाओ। सुना, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, तूने मेरे दो भाइयों को मारा है, आज देखना मैं तुझे कितनी मौतें मारता हूं। यार जरा बैठते हैं। Thank you.
बेटा, मुन्ना। माँ। बेटा। तू देखने लगी है माँ। मेरा बेटा, मुन्ना। चल। समझ गया, फॉरेस्ट ऑफिसर की समाधि पर लिखा हुआ 3 नंबर यही है। ये तेरा शिकार है, जा मेरे भाई, अपने मालिक का कर्ज उतार दे, जा। प्यारी बीवी, क्या आज मैं पास हो गया किसमें? धंधे में। ये ले 100 रुपए कमाया। ओह, आज अपनी सुहागरात जरूर होगी। अरे रात की बात नहीं, दिन की बात कर। चल चल, टाइम नहीं, चल। बेटा, तुम्हारी अच्छाइयों ने मुझे पैसे के लालच बिल्कुल बुला दिया है। और हाँ,
मेरा पैसा वसूल करने का सिर्फ एक ही तरीका मेरे पास रह गया है, वो ये कि अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देकर तुम दोनों को जोड़ीदार बना दूं। ये क्या है बेटे? इसका मतलब ये है कि अगले जन्म में भी मैं ही इसके गले पड़ जाऊं। डरने की बात क्या तुम्हें किसी बात से, तुम मगर दोस्ती कर लो हालात से। किसी बात से तुम अगर दोस्ती कर लो हालात से। कभी गम कभी खुशी जिंदगी का रूप यही, कभी गम कभी खुशी जिंदगी तो है यही। समय आएगा समय जाएगा, किसी के रोके ना रुक पाएगा। समय आएगा समय जाएगा, किसी के रोके ना रुक पाएगा। कभी गम कभी खुशी जिंदगी का रूप यही, कभी गम कभी खुशी